आपको दिखाते हैं एक बियर और डिस्को बार चलाने वाले के महामंडलेश्वर बनने की कहानी। गाजियाबाद का रहने वाला सचिन दत्ता, जो कि पिछले करीब 20 से 22 साल से बियर बार और डिस्को बार के कारोबार से जुड़ा हुआ था, अब वो बाबाओं का बाबा बन गया है। निरंजनी अखाड़े ने सचिन दत्ता को महामंडलेश्वर की उपाधि दी है। सचिन दत्ता नोएडा के अट्टा में बियर बार चलाता था, अब वो सचिन दत्ता से महामंडलेश्वर सच्चिदानंद गिरी बन गया है। सचिन दत्ता पर पैसे के बल पर महामंडलेश्वर बनने का आरोप है। सचिन दत्ता के ऊपर फायरिंग कराने, न्यूटेक बिल्डर के साथ धोखाधड़ी और बिल्डर की ऑफिस भी कब्जाने की कोशिश का आरोप है। तो वही अखाड़ा परिषद ने मामले की जांच बैठा दी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का कहना है कि पहले वो क्या करते थे इससे हमें मतलब नहीं। गाजियाबाद निवासी सचिन दत्ता पिछले 20 से 22 साल से अग्नि अखाड़ा से जुड़े हुए थे और इसी दौरान वो डिस्को, बियर बार और रियल एस्टेट के कारोबार को भी परवान चढ़ा रहे थे। शुक्रवार को संत समाज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वो भी प्राइवेट प्लेन से दिल्ली से इलाहाबाद पहुंचे थे। नरेंद्र गिरी का कहना है कि अगर वो फिर से परिवार से बिजनेस से जुड़ते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपको बता दें कि एक बियर बार का संचालक संत बन गया है। डिस्कोथेक का मालिक निरंजनी अखाड़े का साधु बन गया है, यानी बाबाओं का बाबा बन गया है एक बिल्डर, जो कि बियर बार चलाता है, डिस्को बार चलाता है। करोड़पति कारोबारी रातों या रात बाबा बन गया, संत बन गया, महामंडलेश्वर बना दिया गया। सचिन दत्ता से महामंडलेश्वर बन गया सच्चिदानंद गिरी। आपको बता दें कि अब महामंडलेश्वर पर महाभारत शुरू हो गई है, क्योंकि सवाल यह है कि रातों रात आकर किस बिना पर महामंडलेश्वर बना दिया गया सचिन को, जो कि एक डिस्को बार का मालिक है, जो चलाता है डिस्को बार, आखिरकार उसको कैसे महामंडलेश्वर बना दिया गया। हालांकि जांच की बात उस पर की गई है और कहा गया कि अगर तथ्य साबित होते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। अब उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनका बियर बार चलता है या प्रॉपर्टी डीलर है। मेरा ये कहना है कि संन्यास लेने के बाद कोई वो गलत काम करें, कुछ से परिवार संबंध रखते हैं, तब तो हम कार्रवाई करेंगे। पहले क्या थे, पहले उनके परिवार में क्या होता था, उससे मेरा मतलब नहीं है। और आइए अब आपको बियर बार वाले बिल बाला का पब और घर दोनों दिखाते हैं। तो दोनों बाबा का मैं बता दें आपको, घर और पब आप दोनों देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहाँ सचिन दत्ता का घर आपको नजर आ रहा है, जो अब बाबाओं का बाबा बन गया है। तो वही पब भी नजर आ रहा है, जो पब है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो पब चलाता है, डिस्को बार चलाता है, आखिर उसको महामंडलेश्वर कैसे बना दिया क्या।